और मनीष बोल रहा है ब्रेक ब्रेक करके चलेंगे, और इसका भी पता चलेगा क्योंकि ये बस रुक रुक के जाएगा अभी यहाँ से बुटवल। यहाँ पे रोड ब्लॉक है, अभी 2-3 घंटा लगेगा, लैंडस्लाइड हुआ आगे। अभी रात के हुए 8:30 और अभी भी ट्रैफिक जाम इतना है, आगे लैंडस्लाइड हुआ है। सो अभी हम आधे रास्ते निकले थे नीचे वहाँ सिटी से, और अभी यहाँ पहुँचे फिर से लग गया ट्रैफिक जाम। साथ है मनीष, और मैं भी इसका सेकंड टाइम है नेपाल में। तो जस्ट अभी सुबह के 7 बजे, और अभी हमें नेपालगंज बॉर्डर से आए हैं। तो बॉर्डर में थोड़ा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान था पर लेकिन सेट ज़्यादा था और थोड़ा बहुत बोल बोल के मैंने कर दिया, नहीं तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मुश्किल होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने में, पर थोड़ा नेपाली होने का फ़ायदा है। और इसके वजह से हम ये तो शॉर्ट फिल्म बनाना बोल के उनको बोल रहा था, पर मैंने बोला नॉर्मल रिकॉर्डिंग करेंगे हम वॉइस ओवर, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। और अभी सुबह के बजे से बॉर्डर 8 बजे खुलता है, तो हम टैक्सी लेके आए थे और 1 घंटा वेट करना पड़ता हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, अगर गाड़ी का एंट्री 8 बजे स्टार्ट होता तो हम पैदल ही आगे बॉर्डर क्रॉस कर लिए। अभी हमने ई रिक्शा करके अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड के, तो अभी हमें चितवन जाना है, मे 6 से 7 आवर्स लगेंगे हमें। अभी ये पीछे नेपालगंज, अभी सुबह के 7 बजे हैं, अभी थोड़ा पीछे एक चौक था, अभी मेडिकल कॉलेज है उसी पास में हमारा एक सेंटर है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज होता है। अभी व्यू देख सकते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, दिन के टाइम काफ़ी रश होता है यहाँ पे भी। मैं एक बार ऑलरेडी आ चुका हूँ चितवन में, एक बार ऑलरेडी जा चुका हूँ तो सेकेंड टाइम है, तो इनके इस बार टाइम ही लगता है एक्सप्लोर करेंगे चितवन भी। सो अभी हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट बस 2 बजे है, तो हम कल सुबह 3 बजे पहुंचेंगे। और मनीष बोल रहा है ब्रेक ब्रेक करके चलेंगे, और इसका भी पता चलेगा क्योंकि ये बस रुक रुक के जाएगा। अभी यहाँ से बुटवल बस का हालत देख सकते हैं, अभी हम रुक रुक के जाएंगे ब्रेक ब्रेक करके, तो रात को 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और ये है बस स्टेशन यहाँ का, अभी इसको रास्ता का पता चलेगा क्योंकि रास्ता ख़राब है आगे, मे भी इसका फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। नींद लगी हुई है अभी तक, नींद लगी है। तो अभी हम लोकल बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को कुछ दिखाता हूँ। तो आगे देख सकते हैं मुर्गा भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, तो नेपाल में ये आम बात है, तो आप मुर्गा बकरी कुछ भी ले जा सकते हैं अगर आप गाँव साइड जा रहे हैं, तो रोक टोक नहीं है किसी बात के लिए, तो ये एक अच्छा बात है नेपाल में।
सी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सुबह से हम निकले थे, अभी हम नवलपरा सी डिस्ट्रिक्ट, आज एक और डिस्ट्रिक्ट है चितवन, हमें वहाँ जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन इधर दिखाइए, यहाँ पे रोड ब्लॉक है, अभी 2-3 घंटा लगेगा, लैंडस्लाइड हुआ आगे, तो जब तक निकलोगे अभी रात भर हमें इधर बैठना पड़ेगा, और लगता है रात को जब तक खुलेगा 11-12 बज जाएंगे। और मेन चीज़ सिम भी नहीं है हमारे पास किसी को कॉल करने के लिए, अभी देखते हैं आगे किसी से मांग के कॉल करेंगे, होपफुली ये रास्ता जल्द से जल्द खुल जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक जो है लग चुका है पूरा लंबा, और अभी हम नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट में, और ये है मनीष, इसी ने बोला था कि हम बदल बदल के जाएंगे, हमें डायरेक्ट बस मिल रहा था। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा आपको रास्ते, नदियाँ, पहाड़, बोलिए। मेरा सफर अच्छा तो रहा पर बहुत थक गया। थक गया? तो मुझे तो आदत है ऐसा सफ़र का, तो इनका फर्स्ट टाइम है इसलिए थक गया, काफ़ी परेशान है, बेचैन है थोड़ा, दूसरे देश में है इसलिए। तो आप देखते हैं कब तक ये रास्ता खुलेगा। सो गाइस अभी रात के हुए 8:30 और अभी भी ट्रैफिक जाम इतना है, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, अभी तब से हम इधर फंसे हैं। गाड़ी देखिए इतना सारा है, तो आगे भी बहुत लंबा लाइन लगा है, पीछे बहुत सारा लंबा लाइन लगा है, पता नहीं कब खुलेगा। अब तो लग रहा है कल ही पहुंच पाएंगे हम सुबह चितवन में। The next morning. तो गाइस अभी सुबह के बजे 7, अभी भी हम बर्दाघाट में हैं, ट्रैफिक जाम। कल शाम को हम 5 बजे पहुंचे थे और कल से हम 11 बजे तक रात को बस में बैठे, और फिर बोला रास्ता ये खुलेगा, फिर हमने होटल बुक किया, और अभी ट्रैफिक जाम देख सकते हो आगे तक है, आगे वो पहाड़ में कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, और पीछे देखिए पीछे तक बस वगैरह पूरा ट्रैफिक जाम है। और अभी हम दोनों निकले थे सिम लेने के लिए, क्योंकि गलती क्या कि हमने सिम नहीं लिया नेपालगंज में, और सोचा था बुटवल में लेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट निकल गए उधर से भी। वो यहाँ से आगे तक पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, अच्छा हुआ ये साइड में होटल था, और मैंने तो होटल बुक किया हम दोनों ने। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 11 बजने वाले हैं और हम भी निकलने वाले हैं, तो बारी बारी करके भेज रहे हैं, तो अभी हम अपना टर्न का वेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आधा आधा करके गाड़ी भेज रहे हैं, 10-15 गाड़ी इधर से, 10-15 गाड़ी उधर से आ रहे हैं। गाइस अभी सुबह के बजे हैं 11 और अभी भी ट्रैफिक जाम देख सकते हैं, हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, कल 5 बजे से फंसे हैं, और पूरा अभी जाम लगा ऊपर तक, ऊपर का लैंडस्लाइड हुआ है, ये जगह नहीं है, दूसरी जगह में है, तो अभी दूसरी तरफ से गाड़ी छोड़ रहे हैं, फिर इस तरफ से छोड़ेंगे बारी बारी, तो यहाँ तो लंबा जाम लग चुका है। सो अभी हम आधे रास्ते निकले थे नीचे वहाँ सिटी से, और अभी यहाँ पहुँचे फिर से लग गया ट्रैफिक जाम, और वहाँ जैसे लैंडस्लाइड हुआ है, वो अभी शायद 1-2 घंटा और लगेगा। और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, अभी हम नीचे थे वहाँ पे, तो कल शाम से फंसे, अभी तो परेशान हो गया, तो मेरे लिए तो नॉर्मल है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे साथ जो साथी मेरा फ्रेंड, वो फर्स्ट टाइम है, शायद उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी वहाँ जैसे शायद लैंडस्लाइड हुआ है, अगर वहाँ तक पहुँच के क्लियर हो जाए तो पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो गाड़ी छोड़ रहे अभी, और इस साइड का भी पूरा लाइन लगा है, और ये शायद बस आया वहाँ से, ओके, तो वहाँ से गाड़ी आ रहा अभी, होपफुली थोड़ी देर में यहाँ से भी छोड़ देंगे हमें, और ट्रक वगैरह सब आ रहे, और यहाँ तक लंबा लाइन लग चुका है काफ़ी नीचे तक। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं, तो आगे धूल देख सकते हैं, नेचुरल पाउडर है, तो अभी देखेंगे हम कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ आगे। तो अभी हम लैंडस्लाइड वाले एरिया बस पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले ट्रैफिक जाम, तो उधर से गाड़ी आ रहे हैं, तो 10-15 गाड़ी उधर से छोड़ रहे हैं, फिर 10-15 गाड़ी इधर से। ये वही जगह है जहां कल रात को लैंडस्लाइड हुआ था, तो कल रात को ही ये रोड जो है मिट्टी पत्थर डाल के बना दिया, और लेकिन रात को कुछ टाइम तक तो गाड़ी चला, फिर उसके बाद तो फिर क्या हुआ, 5 फुट फिर से सड़क जो है अभी जो बना है फिर से धस गया, फिर रात को इसलिए बंद कर दिया, तो सुबह इन्होंने फिर से चालू किया, तो दोनों तरफ से इतना जाम हो गया, तो आधा आधा करके 15-20 गाड़ी एक साइड से,
फिर 15-20 गाड़ी उधर से भेज रहे। तो ये अब पहाड़ देख सकते हैं पूरा नीचे धस गया है। तो अभी हमारी तरफ से 15-20 गाड़ी को छोड़ा है, तो अभी हम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक देख सकते हैं राइट साइड कितना, और रास्ता पूरा ऑफ रोड है, और धूल इतना है कि बारिश नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, पर लेकिन तभी भी लैंडस्लाइड हो गया। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके चितवन। तो हम 8-9 बजे पहुंचे, तो कल शाम के हम 5 बजे फंसे थे, 9-10 बजे तक हम बस में बैठे रहे तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। अच्छा हुआ आसपास होटल था तो वहां स्टे किया, फिर मॉर्निंग तक भी जाम नहीं खुला था, पूरा लैंडस्लाइड के वजह से पूरा जाम था। फिर दिन को लगभग 1-2 बजे के करीब रास्ता खुला तो हम भी बैठे, तो लगभग 5 बजे के करीब हमने वो लैंडस्लाइड वाला एरिया हमने क्रॉस किया। पैरों करता धीरे गारो भयो यह समय चाहिए, अनि मैले चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएन, मैले चाहिँ अलरेडी यस्तो सिचुएसनहरू फेस गरेको छु, अनि मेरो साथीले चाहिँ अलिक गाह्रो भयो किनभने त्यो त इन्डियाको हो अनि यस्तो सिचुएसन फर्स्ट टाइम परेको होला त्यही भएर गाह्रो भयो होला। त्यसले सेकेन्ड टाइम नेपाल आएको हो तर यति भित्रसम्म आएको छैन, बोर्डरसम्म आएको थियो अनि यतिभित्र चितवन चाहिँ फर्स्ट टाइम होला। और मेन प्रब्लम तो यही कि सिम भी नहीं था, कॉल नहीं कर पा रहे किसी को, तो सिम भी बहुत मुश्किल से मिला, तो रिचार्ज भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने कज़न सिस्टर्स और अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरा डेटा रिचार्ज कर दें, तो उन्होंने किया, उसके लिए उनका थैंक यू, ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने फैमिली और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके बताया कि हम सेफली पहुंच गए हैं। तो गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कोशिश करूँगा ऐसे जर्नी की वीडियो फिर से बनाते रहूँ और जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊँ। अभी तो थोड़ा काम है, मैं भी वापस इंडिया जाके एडिट करके इस ब्लॉग को अपलोड करेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, बाय बाय।